अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ज़ा ज़ैनब, कश्मीर डिस्पैच से आज हम मौजूद हैं मिस आलिया के साथ, जो कि रिनोड जिम ओनर होने के साथ साथ सर्टिफाइड जिम ट्रेनर भी है। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एज़ ए फीमेल इन्होंने जो महारत हासिल की है और जैसे ये अपना स्टेप उठाती है टूवर्ड द सक्सेस, हम देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है आपके इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि रियली आपकी जो रिज़ल्ट भी है यहाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और सोसाइटी को पीछे छोड़ के, जिन्होंने इनको पुल डाउन करने की कोशिश की उन्हें पीछे छोड़कर ये इतना आगे बढ़ी है। मिस आलिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर डिस्पैच के साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे ये बताइए आलिया, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? यही खानियार में एक CMP हाई स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद कोठीबाग से, और उसके बाद वुमेंस कॉलेज एम ए रोड, और उसके बाद एज वेल मेरी ग्रेजुएशन का 2 सेमेस्टर हो गया और मेरी शादी हो गई उस टाइम, तो MA मेरा साइकोलॉजी में हुआ है। जिम इस्टेब्लिश करने का, जिम सेटअप करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली मेरे इतने सारे इंटरव्यू हो गए वहाँ पे भी मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में ब्रीफ ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे बच्चे हुए और मैं बाहर कुछ काम से गई बच्चों के, तो वहाँ मैंने वर्कआउट किया अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन एंड हेल्थ जो इशू रहते थे, तो वो क्योंकि हमारे कश्मीर में अगर हम देखा जाएगा हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशंस आ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स में, यहाँ मैक्सिमम पाया जाता है कश्मीर में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, और ओबेसिटी मेरी बहुत आ गई थी, तो मैं फिर जब मैं बाहर गई तो मैंने वहाँ देखा कि जिम वहाँ बहुत ईज मतलब वे में जाता था, कि हर गली में वहाँ वर्कआउट्स होते थे, और हर फीमेल से वहाँ जितने भी फ्रेंडशिप में वो शाम को बोलते चलो हमारे साथ जिम, जब मैं उनके साथ गई तो मुझे उन्हें वो मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं भी वेट लॉस करूँ, और मैंने जिम मतलब वेट लॉस जो किया वो मैंने दिल्ली से किया, और मैंने खाली एरोबिक्स और कार्डियो किया था वहाँ पहले, तो वेट लिफ्टिंग तो मुझे नहीं मतलब वहाँ पे दिया, क्योंकि मेरी 6 मंथ थी डिलीवरी को हुए थे, तो फिर उसके बाद जब हम कंटिन्यूस गए वहाँ डेली तो वहाँ पे मैं दिन ब दिन सीखती गई, और जब मैं वहाँ से आई तो हमारा जिम ऑलरेडी ऑन वर्किंग था, लेकिन हमारा मेल ट्रेनर था, हमारे सेपरेट 2 जिम्स थे 2010 से, ओनली फॉर मेल और ओनली फॉर फीमेल, लेकिन ट्रेनर हमारा दोनों जगह पे मेल ही था, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत होती थी कि फीमेल सेटिस्फाई नहीं थी और कंफर्टेबल जोन में नहीं लग रही थी, तो हमें रोल बहुत कम आता था, यही जो मजबूर बहुत हद से होते थे वर्कआउट के लिए वो आ जाते थे कि सेपरेट जिम है, लेकिन वो मेल ट्रेनर के साथ बोलते थे हमें आप खाली दिखाओ हम खुद करेंगे, बाकी आप निकलो हम खुद से करेंगे, तो फिर मैं अपने वर्कआउट्स के लिए गई, अपने वर्कआउट्स के लिए मैं जिम जाती थी। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ लड़कियों ने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा वर्कआउट करती हो और आपने इतना वेट लूज़ किया है, तो आप हम अपना डाइट और अपना वर्कआउट रिदम बता दो आप क्या करते, तो आप हमें करा अपने साथ। जब मैंने उनको वर्क हेल्प करा तो उनका काफ़ी ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आ गए मेरे डाइट से, और फिर उसके बाद मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन गई तो मैंने उनको बताया मेरा प्लान ऐसा आ रहा है, तो इसमें मुझे कोई सर्टिफिकेट या कोई कोर्स करने की ज़रूरत तो नहीं है, कि मैं फुली लीगली तरीके से जाना चाहती हूँ, इलीगल तरीके से मैं कोई ये नहीं करना चाहती, कल को मुझे कोई कंप्लेंट आ जाए कुछ तो मैं लीगल, तो उन्होंने मुझे वहाँ से प्रोसीजर्स बताए व्हाट यू हैव टू डू, एंड मैंने वो कंप्लीट वो सारा किया, और मैं अगेन एंड अगेन दिल्ली गई वहाँ पे और कुछ इक्विपमेंट्स देखे कैसे हाउ टू यूज़ दिस इक्विपमेंट्स एंड ऑल, एंड वेट लिफ्टिंग मुझे अपने हस्बैंड ने सिखाई, तो उससे मुझे बेनिफिट बहुत मिला, जो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इस फील्ड में थे और उसका शौक भी था मैं इसी फील्ड में आ जाऊँ, तो ये सारा कुछ जो है मेरे हस्बैंड के, अदरवाइज़ मैं ना जॉब करना चाहती थी ना मैं बिज़नेस करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को खुद ब्रिंग अप करूँ ताकि वो कल को बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे एजुकेशन लेवल में जाए, मेरा वही एक ड्रीम और हॉबी थी, बिज़नेस या जॉब का मैंने कभी, जबकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी थी मैंने वो भी छोड़ा बच्चों के लिए, तो यही रहा मेरा। आलिया, अगर सोसाइटी की बात की जाए, सोसाइटी में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, अगर आप चाहे ट्रैवलिंग हो, एडवेंचर हो, कोई एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सोसाइटी काफ़ी जजमेंटल हो जाती है, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो फीमेल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, आप उन क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? मैं भी बहुत ज़्यादा जब मेरे इतने सारे इंटरव्यूज़ आ गए हर किसी चैनल पर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रॉल भी किया है, क्रिटिसिज्म भी आया है कि इनको अब WWF के लिए तैयार होना है, इनको अब स्कर्ट्स पहनी है, लोगों को हमारी कश्मीर में कंसेप्शंस ऑफ द जिम बहुत ही गलत है, जबकि वो है नहीं, हमारी फीमेल्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो कभी भी ना मेडिकेशनल थ्रो रिकवर हो सकती है, ना ही वो दवाइयाँ से ना ही डॉक्टर से वो हो पाती है, जस्ट कि हमारा अभी PCOS अलार्मिंग है, BP है एंड प्लस थायराइड है, वो हमारे हर घर में 3-4 पेशेंट्स ये एल है, तो ये दवाइयों से थोड़ी टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट मतलब
सब्स्टिट्यूट हो जाता है इसको दवाई से, लेकिन टेम्परेरी हो, लेकिन परमानेंट इसका रिजल्ट नहीं है मेडिसिन. अगर हम इसका परमानेंट ये देखें, ये वे आउट, तो इसका परमानेंट वे आउट ओनली वर्कआउट है, क्योंकि हम खुद की बॉडी को खुद स्ट्रेच देते हैं, खुद हम एंजाइम सेक्रीशंस को पास आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें हार्मोन्स भी रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. अभी तक हमारे कश्मीर में लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें मेडिकल जो है वो कम लेना चाहिए, और जो हमारे PCOS है, स्पेशली फॉर द PCOS कैंडिडेट, हमारा डाइट स्टाइल जो है वो चेंज करना है हमें, और हमें इन हाउ वर्कआउट में आना है, सो दैट कि हमारे हार्मोन्स जो नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट करें. तो आपका ये कहना है कि हमें मेडिकेशन से पहले हमें जिम फिटनेस पर फोकस करना चाहिए. मुझे लगता है कि मेरे जिम में अभी तक जितनी भी फीमेल्स आई है ना PCOS पेशेंट्स लेकर, वो पहले दिन मैं उनको दवाइयाँ बोलती हूँ, स्टॉप करो, आप एक महीना ये भी देखो वर्कआउट खाली करके, क्योंकि हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है, मतलब वो डिफरेंट बॉडीज़ होती है, किसी को खाली वर्कआउट से होता है, किसी को दवाई और वर्कआउट से ही हो जाता है. मैं नहीं बताऊँगी वो दवाई भी ना खाएं, हाँ, लेकिन जितने भी मुझे अभी तक आए, मैंने उनको मेडिसिन पहले मंथ बंद कर, एंड विद इन 3 मंथ्स उनका PCOS रिकवर हो गया, कंप्लीट रिकवर हो गया. वो मतलब कश्मीर में लड़कियाँ डरती है कि अगर हम कमेंट सेक्शन में हाँ बोलेंगे या लाइक हमें ट्रॉल करना स्टार्ट करेंगे कि आप भी जिम जाते हो, मतलब ऐसा हमारा नेगेटिविटी है दिमाग में जिम को रिलेटेड कश्मीर में. लग के हमारी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स है, लास्ट टाइम मुझे QNS पे आया था, तो वहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कुछ ट्रॉल किया कि लेकिन देखो आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं इसमें, मतलब ऐसे कमेंट बॉक्स में लोगों ने बहुत कुछ बुरा भला कहा. मेरे हस्बैंड ने कहा अगर आप उसकी तरह देखोगे वो तो आना ही है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ये आना ही आना है, अगर आप उसकी तरह देखोगे तो फिर आपको जिम वाइंड अप करना है और कोई ऑप्शन है नहीं, वो भी मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा अपना हेल्थ जो है वो सबसे फिट है वर्कआउट से, जिम से. तो आपके जिम में जो मेल फीमेल्स का क्या रेशियो रहता है? हमारा जो है ये ओनली फॉर फीमेल्स है, और हमारा मेल का जो है वो ऊपर थर्ड स्टोरी में हमारा सेपरेट मेल है, हमारा फुल टाइमिंग रहता है, फुल डे टाइमिंग है ओनली फॉर फीमेल्स. आलिया, यंगस्टर्स में क्या हो गया है, थोड़ा आलसपन आ गया है कि मतलब एक तो काम भी नहीं कर पाते हैं, वो ओबेसिटी जिसको कह सकते हैं, वो काम नहीं करते हैं, खाने पीने पे फोकस नहीं है, मतलब डाइट कॉन्शियस भी नहीं है, उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न्स जो है वो भी डिफरेंट हो चुके हैं बच्चों के, जिसकी वजह से एंग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन हो गया है बच्चों में. सो उनके लिए आप क्या मैसेज दें? मेरा यही है कि जब हमारे जिम में लड़कियाँ आती तो वो सबसे पहले बोलती है कि हमारा डाइट क्या रहेगा, हमें मतलब भूखा तो नहीं रहना. जब मैं उनको बताती हूँ कि आपको उतना खाना है जितना आप नहीं खाते हो, लेकिन हेल्दी फूड्स खाने, आपको जो जंक्स लेते हो वो रिप्लेस करने हैं हेल्दी फूड्स में, बाकी आपको सब कुछ खाना है. तो जब वो 10-15 दिन में अपने रिजल्ट्स देखते हैं ना, उनके 3-4 kg आते हैं रिजल्ट्स, और वो हल्कापन स्टार्ट कर, तो वो काफ़ी डट के डाइट को फॉलो करते हैं. सबसे अहम है इसमें हमारा डाइट फॉलो करना, और जो आलसपन है और डाइट हम खाते जा रहे हैं ना, मतलब जंक्स खाते, अगर हम वर्कआउट के बाद फिट आ जाते हैं, हम जंक्स खा सकते हैं, लेकिन हमें वो कैलोरीज बर्न करनी ज़रूरी है. लाइक ऐसा है कि वो अगर घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं, जिम नज़दीक है वहाँ वर्कआउट, वो सब कुछ खा सकते हैं. फूड हमें नहीं, अपना टेस्ट भी नहीं लाइफ का छोड़ना, हमें खाना सब है, लेकिन हमें कैलोरीज भी बर्न करनी साथ साथ में बराबर है. आलिया, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप बाकी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि बहुत कुछ हासिल करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं फैमिली अनसपोर्टिव हो जाती है, या कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव अनसपोर्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स ही रहते हैं, वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं जो वो सोचते हैं. उन इंस्पायरिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रही? बस यही है कि अगर हम क्रिटिसिज्म से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, तो हमें कभी आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसको हमें फॉलो करना है. और अगर हम अभी स्टार्टअप में हैं तो कोई जानता नहीं, जब आप कैमरा पे आ जाते हो तो आपको क्रिटिसिज्म ज़्यादा ज़्यादा सुनने को मिलता है. अगर हम उस चीज़ को दिमाग पे लगा रखेंगे तो हमें आगे जाना नहीं. ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उन लेडीज़ को, असल में सारा कुछ फैमिली पे डिपेंड. जस्ट लाइक मी, अगर मुझे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता तो शायद मैं जिम कंटिन्यू नहीं करती. जितना क्रिटिसिज्म मैंने इसमें देखा, जितना हार्डशिप्स मैंने इस जिम को आज तक आगे चलाने में देखे है, अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं होते तो शायद मैं ये कंटिन्यू नहीं करती. ऐसे हमें वही पेरेंट्स जो है जो अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं, अपनी बीवियों को या बहुओं को आगे देखना चाहते, तो उनको पहले सबसे पहले सपोर्ट जो है वो फैमिली से आना चाहिए. आलिया, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, जो वो है गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे, जैसे ड्रग एडिक्शन ये सब, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ बरकरार रखने के लिए उन्हें कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए? उनको ऐसा चाहिए कि उनको हमें ईज लोन अवेलेबल देना चाहिए. जैसे कि अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर खाली सिफारिश वाले आगे जा रहे हैं, उनको मिल रहा है, और जो नीडी है उनको नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है. अगर हमें ADI थ्रू या बहुत सारे ऐसे DIC लोन्स हैं, मतलब जिनमें हमें बेनिफिट्स
है, हम आते हैं उसमें, जो चाहते हैं कुछ करना वो आ रहे हैं उसमें, लेकिन हमें यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक है, वो हमें अवेयर नहीं करते ऐसे प्रोग्राम्स की, आपके लिए फैसिलिटीज़ है, आप कर सकते हो कुछ, ऐसी गवर्नमेंट हमें ये स्टेप्स नहीं दे रहे हैं ना, ये बेनिफिट्स अपने यूथ को नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन मैं आपको भी बता दूं, जैसे इन्होंने क्रिटिसिज्म को हटा के जिन्होंने इनको पुल डाउन करने की कोशिश की है उनसे आगे बढ़ चुकी है और ये एक ऐसी लेवल पे पहुंच चुकी है जहां इनको पुल डाउन करना बहुत मुश्किल है। अब उन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो जो सोचते हैं कि उन्हें भी लाइफ में कुछ अचीव करना है, रुकावटें बहुत आएंगी लेकिन रुकना नहीं है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है और आपको अपना अचीव करना है। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट फैसल मलिक के साथ मैं फजा जैनब, कश्मीर डिस्पैच, श्रीनगर।